नमस्कार दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को हटाने की भारतीय जनता पार्टी ने लगता है पूरी तरीके से मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ को हटाने की जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही है। यही नहीं दोस्तों, सर्वे भी करवाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता में रहना चाहिए या सत्ता से बेदखल कराना चाहिए, ऐसे भी सर्वे करवाए गए हैं। आपको आगे दिखाऊंगी कि किसने सर्वे कराया और कैसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अभी भी खतरे में मंडरा रही है। दिल्ली में जाकर बैठक कर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा लेने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो योगी के विधायक भी योगी के खिलाफ उतर आए हैं। कल तक जो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनका पूरा का पूरा खेमा चलता था, आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतर गया है, योगी के खिलाफ विरोध कर रहा है। एक एक जानकारी, एक एक खबर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, साथ ही लोगों को भी शेयर करें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नैया जो है वो डामाडोल चल रही है। कैसे कैसे दिन भाजपा को देखने पड़ रहे हैं। एक वो दिन थे जब बीजेपी के लोग कहते थे हमसे ताकतवर नेता कोई हो ही नहीं सकता है, हमसे ताकतवर पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है, लेकिन इस ताकतवर पार्टी में इतने छेद हो चले हैं कि अगर आप इनमें ढूंढने चलेंगे तो आपको फटाफट वो छेद निकल दिखाई देंगे कि देखें यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, यहाँ सिर्फ उठावल, वहाँ कलेश, वहाँ धमकी पार्टी छोड़ने की, सांसद विधायक घेर रहे, बिल तक पास होने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, सांसद विधायकों ने तो ऐसा विरोध जता दिया है कि योगी का बिल भी अटक गया है। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि ये जो शुरुआत बहुत दिन पहले ही हुई थी जब केशव प्रसाद मौर्य का बयान जेपी नड्डा के सामने आया, लेकिन अब इस खबर को देखकर सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे जो है योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए सर्वे हुआ। आज तक के हवाले से एक सर्वे करवाया गया और इस सर्वे में उत्तर प्रदेश की 42% जनता ने ये माना है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको ओपिनियन पोल्स बता दें कि कैसे जो है योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए जो है ओपिनियन पोल आज तक जैसा चैनल, एबीपी जैसा चैनल करवा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, केंद्र सरकार का गठन हो चुका है, एनडीए की सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम तो बन गए हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अटकलें और परेशानियां लगातार पीएम मोदी की बढ़ रही है। जी हाँ, हालांकि जैसी उम्मीद थी चुनाव जीतने की वैसी हुई नहीं है। आप सभी को पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का प्रदर्शन जो है बेहद ख़राब रहा है। इतना ख़राब रहा है कि समाजवादी पार्टी टॉप कर गई उत्तर प्रदेश में और बीजेपी जो कि 80 सीट लाने का दावा कर रही थी वो फेल हो गई। उनका 80 सीट का सपना जो है वो 33 पर आकर रुक गया। और अभी इसी को देखते हुए कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में चिंतन मंथन लगातार जारी है। जैसा आप सभी को पता है कि बैठक हो रही है, चिंतन मंथन किया जा रहा है कि किसको हटाना चाहिए, किसकी वजह से ये सब हुआ है। तो सबने यही माना कि योगी आदित्यनाथ की वजह से, जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया गया, जिस तरीके की राजनीति योगी आदित्यनाथ ने की, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं भाई और इसी वजह से उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को उनकी जगह दिखाई। अब खबरों पर आते हैं कि कैसे जो है सी वोटर के ज़रिए जो है आज तक वालों ने सर्वे करवाया। 1500 लोगों के बीच जो है योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बने रहना चाहिए या हटा देना चाहिए, इसको लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है। तो 1500 लोगों का जो ओपिनियन पोल था दोस्तों वो ये था। सी वोटर ने 1500 लोगों के बीच सर्वे किया और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की, जिसके आधार पर नई बातें निकलकर सामने आई। इस सर्वे का निष्कर्षण कहता है कि 22%, जी हाँ 22.2% लोग ऐसे मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह गलत उम्मीदवारों को टिकट देना। अब यूपी में बीजेपी को नुकसान का जिम्मेदार किसकी वजह से हुआ, इसको लेकर भी सर्वे हुआ। तो इस सवाल के जवाब में 28.3% लोगों का कहना है कि इसके लिए राज्य के नेता जिम्मेदार हैं।
वहीं जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है, तो 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ बीजेपी जो है योगी आदित्यनाथ को हटाने वाली है, क्योंकि बीजेपी में अति आत्मविश्वास जो है वो भर गया है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी में संविधान बदलने की जो बीजेपी के नेताओं की ओर से ऐलान शुरू हुआ था जो उनके नेताओं के ज़रिए, इसका भी नुकसान जो है यहाँ पर उनको उठाना पड़ा। तो ये सब कुछ जो है देखने सुनने को मिला। अब आपको चलते हैं योगी आदित्यनाथ के विधायक जो है कैसे योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ उतर गए और बिल तक पास नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, नजूल की ज़मीन पर योगी के बिल में जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिल लाया गया। वैसे भी इस बार विधानसभा के अंदर बहुत सारे बिल लेकर के योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जैसे कि लव जिहाद पर कानून बना दिया गया, बिल पास करवा लिया गया और कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी लव जिहाद करता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। ऐसे ही बिल योगी आदित्यनाथ लेकर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले सदन के अंदर विधानसभा में क्या कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो बारिश हुई थी लखनऊ के अंदर, और एक वीडियो सामने आया था, हमने भी आपको वो खबर दिखाई थी कि कैसे लफंगों के ज़रिए महिला को छेड़ा जा रहा था, वीडियो सार्वजनिक हुआ था, जिसके बाद 10 से 12 लोग थे छेड़ने वाले, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नज़र आया नाम तो सिर्फ यादव और मुसलमान का, बाकी जो इतने सारे लफंडर थे उनका नाम उनको नज़र नहीं आया। तो ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 10-12 लोगों में सिर्फ 2 लोगों का नाम याद रखे थे, जिनका नाम सरनेम यादव और एक मुसलमान, और इनके प्रति प्रेम सम्मान योगी आदित्यनाथ का कितना है वो तो आपको पता ही है। क्यों विपक्ष के नेता बार बार कहते हैं कि ये जो है जाति धर्म की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता है। तो चलिए, योगी आदित्यनाथ है, योगी बाबा है, वो कोई भी फैसला लेते हैं तो सोच समझ कर लेते होंगे, लेकिन उनके फैसले की जो किरकिरी होती है वो बाद में उन्हें पता चलता है। जैसे नेम प्लेट वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब योगी आदित्यनाथ जो है अपनी सरकार में सोच रहे थे कि हम हैं उत्तर प्रदेश में तो बिल पास करवा लेते हैं। तो नजूल की ज़मीन पर योगी सरकार ने बिल लाया, लेकिन इसका विधायक जो है बीजेपी के विरोध करने लगे, विरोध में उतर गए। यहाँ तक कि बीजेपी की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तो योगी आदित्यनाथ को साफ और सीधे लफ्ज़ों में कहा कि आपको ये बिल वापस लेना होगा। जी हाँ, आपको ये बिल फौरन वापस ले लेना चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने भी ऐसा ही बयान दिया। अब आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नजूल संपत्ति पर नए बिल को लेकर ज़बरदस्त तरीके से घिर गई। इसका बिल यूपी विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन अगले ही दिन विधान परिषद में ये बिल अटक गया। अटका भी सिर्फ विपक्ष के कारण नहीं, बल्कि खुद बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया, इस वजह से अटक गया। अब इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। नजूल की ज़मीन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसी साल 5 मार्च को एक अध्यादेश पेश किया था, इसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन कानून बनाने के लिए इसे विधानसभा में लाना ज़रूरी था। इसलिए 31 जुलाई को यूपी विधानसभा में नजूल संपत्ति यानी कि लोक प्रयोजना प्रबंधन और उपयोग बिल 2024 पेश किया गया। उस दिन तो भारी विरोध के बावजूद ये बिल पास हो गया, लेकिन अगले दिन यानी कि 1 अगस्त को जब इसे विधान परिषद में लाया गया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। अब प्रवर समिति को रिपोर्ट आने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ के विधायक खुलकर सदन में योगी का विरोध कर रहे थे। नजूल संपत्ति को लेकर इस बिल पर पहले से ही विरोध हो रहा था दोस्तों, विपक्ष तो इसके खिलाफ था ही, साथ में बीजेपी ने भी अब मुखालफत करना, विरोध करना शुरू कर दिया है। और तो और केंद्रीय मंत्री जो है सरकार की अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया और इसे जल्दबाजी में लाया गया बिल बताया है। अनुप्रिया पटेल ने इस बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की और ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल को विधान परिषद में अटकाया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा में बिल पास होने के लिए कई विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अलग से मुलाकात की थी और इस पर कई संशोधन सुझाए भी थे। विधायकों ने चिंता जाहिर की कि बिल पास होने से लाखों लोग प्रभावित होंगे और प्रशासन जब चाहे तब पीढ़ियों से बसे इन लोगों से उनकी ज़मीन छीन लेगी। तो
तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस बिल को लाने में जल्दबाजी बताई गई और इसका विरोध जमकर हुआ, जहां पर योगी आदित्यनाथ को घुटने टेकने पड़े। अब आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कितने सशक्त और कितने शक्तिशाली प्रभावी नेता है, क्योंकि उनका एक बिल उनके ही नेताओं के जरिए विरोध किया गया। विपक्ष का तो छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए कि उन्होंने विरोध किया, क्योंकि विपक्ष को ये लोग कुछ समझते नहीं है, लेकिन अब उनके ही सत्ता के नेता, मंत्री, विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में क्यों ना हो, इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को क्यों और किस वजह से हटाना चाहती है, ये सब कुछ इस खबर में आपको मिल गया है। आप समझ चुके होंगे कि कितना विरोध योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रहा है। जिस तरीके के फैसले लेते हैं, उस फैसले से उनके नेता भी नाखुश होते हैं, नेता भी विरोध जताते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।